शाहजी पूछ रहे बग्गा आ गया। शाहजी कह रहे थे बग्गा है होटल में। कितने बजे तक? चलो ठीक है। बहुत सारी तालियां यासिर हुसैन के लिए कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और इस खूबसूरत से सेशन को शुरू करें, उमैर नजमी की कहानी। और उमैर नजमी के लिए भी बहुत सारी तालियां तमाम ख़वातीन हज़रात की। थैंक यू सो मच। अस्सलाम अलैकुम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ कश्मीर में बैठ के। मेरा अपना ताल्लुक भी कश्मीर से है और इससे खूबसूरत जगह क्या ही होगी। जो खिड़की खोलें, जो दरवाज़ा खोलें, सिर्फ हुस्न नज़र आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें यहाँ बुलाया। मैं बहुत खुश हूँ और ज़्यादा खुश हूँ कि ये फेस्टिवल लेकर शाह साहब यहाँ आए। और शाह साहब जहाँ जाके मेला लगाते हैं वहाँ हर साल मेला लगता है। उमैर नजमी हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उमैर की अभी किताब आई है और इसका नाम है एक। वैसे तो हम सब शरीफ लोगों के पास एक एक ही है, उमैर के पास भी एक ही है अभी, लेकिन अगर ये किताब हिट हो गई तो चांस है कि दो हो जाएं। कैसे हो उमैर? मैं बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ मौका दिया आप सब दोस्तों से मुलाकात का, और आपका बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा तारुफ कराया आपने किताब का, सबको याद रहेगा। लेकिन उमैर हमें एक तो इंतज़ार है दो का, जो कब आएगी नंबर दो किताब जो है। अब मुझे समझ नहीं आ रही उस किताब को लोग मांगेंगे तो क्या कहेंगे, दो नंबर किताब दे दें या नंबर दो किताब दे दें? दो दे दें, क्या कहेंगे? बस दो चाहिए। दो चाहिए सर, ये तो हर इंसान की ख्वाहिश है लेकिन पूरी नहीं होती। शायर का काम ही आम जो लोग हैं उनकी ख्वाहिशात या उनके जो जज्बात हैं उसको अल्फाज मतलब देना, तो मेरी किताब का नाम ही अगर जज्बात दे दे उनको जबान दे दे तो और क्या चाहिए। अच्छा उमैर, हम बातें कम करेंगे और शायरी ज़्यादा सुनेंगे क्योंकि आप सब लोग भी यहाँ उमैर को सुनने के लिए आए हैं और मुझे तो इनकी शायरी वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। उमैर सबसे पहले कुछ ऐसा सुना दें कि बस मज़ा आ जाए। जी उसके बाद वाले में आपको उम्मीद नहीं है? उसके बाद तो फिर मज़ा आता रहेगा। अच्छा मेरे पास एक फरमाइश है, मैं उससे आगाज करता हूँ। बिल्कुल। गजल है एक उसके कुछ अशआर के। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। वाह वाह। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। वाह वाह वाह। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है। मैं खुश नहीं हूं मगर देखकर लगेगा नहीं। वाह वाह क्या बात। नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, मैं खुश नहीं हूँ मगर देखकर लगेगा नहीं। हमारे दिल को अभी मुस्तकिल पता ना बना, हमारे दिल को अभी मुस्तकिल पता ना बना, हमें पता है तेरा दिल इधर लगेगा नहीं। वाह वाह। और बहुत तवज्जा ताल्लुक बिगाड़ देती है, बहुत तवज्जा ताल्लुक बिगाड़ देती है। ज्यादा डरने लगेंगे तो डर लगेगा नहीं। वाह वाह वाह। और है कि ज्यादा डरने लगेंगे तो डर लगेगा नहीं। किया है कुंद जुनू से सो उसके हुस्न का कील, किया है कुंद जुनू से सो उसके हुस्न का कील, मेरे सिवा किसी दीवार पर लगेगा नहीं। किया है कुंद जुनू से सो उसके हुस्न का कील, मेरे सिवा किसी दीवार पर लगेगा नहीं। और जुनू का हुजुम ज्यादा तुम्हारा ज़र्फ है कम, जुनू का हुजुम ज्यादा तुम्हारा ज़र्फ है कम, जरा सा गमला है इसमें शजर लगेगा नहीं। वाह वाह वाह।
जुनू का हुजुम ज्यादा, तुम्हारा ज़र्फ़ है कम, ज़रा सा गमला है इसमें शजर लगेगा नहीं। बहुत शुक्रिया। क्या बात है उमेर, मुझे लगता है ये आपकी भी पसंदीदा है। ये जी मेरी पसंदीदा गज़लों में से एक है। आप जब भी कहीं जाते हैं आगाज़ इसी से होता है अमूमन। अमूमन क्योंकि यहाँ भी देखे फरमाइश आ गई तो अमूमन दोस्तों का होता है। इसके पीछे क्या कहानी है बता सकते हैं लोगों को? ये दिल लग गया है अब यार कभी लगेगा नहीं। नहीं, इन अल्फाज में असर तब तक ही रहेगा जब तक ये सच्चे रहेंगे। तो अगर कभी कोशिश नहीं की बाद में लगाने की तो अभी तक ये सच्चे ही हैं वैसे ही। आपकी एक पंजाबी की एक चीज़ बहुत ही खूबसूरत है। जी जी वो भी वो क्या आपने उसका कोई वक्त मुकर्रर कर रखा है किस हिसाब से? मैं एक दफ़ा मैं एक कॉन्सर्ट सुनने गया तो मैं वो सिंगर का नाम नहीं लूँगा, मैं उनसे बार बार एक गाने की फरमाइश कर रहा तो फिर उन्होंने मुझे बैक स्टेज बुलाया और कहा यार वो मेरा आखिरी आइटम है तुम बार बार फरमाइश कर रहे हो। जी मैं वो पंजाबी के अशआर भी पेश कर देता हूँ। मेरी अभी तक वैसे तो मैं अगर माँ बोली जैसे यहाँ पे सेशन भी हुआ उसमें बताया गया तो माँ बोली मेरी पंजाबी है, लेकिन काफ़ी अरसे बाद एक गज़ल हुई है पंजाबी की तो उसके कुछ अशआर पेश कर देता हूँ। के ओ तकदा है पुल जांदा है, वाह वाह वाह, ओ तकदा है पुल जांदा है अगला बंदा रुल जांदा है, क्या बात, ओ तकदा है पुल जांदा है अगला बंदा रुल जांदा है, सड़क ते ओ टुरदा है एवें, सड़क ते ओ टुरदा है एवें जैवें नहर च फुल जांदा है, वाह क्या बात, सड़क ते ओ टुरदा है एवें जैवें नहर च फुल जांदा है, ओदा दिल हट्टी दा बुआ, ओदा दिल हट्टी दा बुआ जेड़ा आवे खुल जांदा है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, ओदा दिल हट्टी दा बुआ जेड़ा आवे खुल जांदा है, फिर की होया जे मैं रोया, फिर की होया जे मैं रोया परिया बर्तन डुल जांदा है, फिर की होया जे मैं रोया परिया बर्तन डुल जांदा है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। यार ये कैसे होती है ये आमद? क्या है यहाँ कई नौजवान शायर मौजूद हैं और वो बड़ा कोशिश करते हैं अच्छा लिखने की। अभी हामिद मीर साहब को भी एक शख्स जो मिला था वो मुतासिर भी हुए उससे। आप ऐसे मिले हैं कभी किसी और को इस एज में सेकेंड ईयर में और आपने कहा हो कि मेरी दो रुबाइयाँ तो सुनते जाइए? जी जब इंसान किसी भी फील्ड में अपने स्टार्ट में होता है तो उसके कुछ ना कुछ आर्टिकल्स होते हैं तो ज़ाहिर बात है हमारे भी थे और उनसे मुलाकातें भी उनके साथ अब पढ़ भी रहे हैं तो ये एक सफ़र था। तो बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने मुझे अपने सफ़र के आगाज़ में मुतासर किया वो मेरे लिए, मैं उनको उनको पढ़ना उनको सुनना मेरे लिए बायस एज़ाज़ बायस फ़ख्र खुशी का बायस होता था। तो उन लोगों से अब मेरी बाकायदा मतलब नशिस्तें भी हैं, उनसे तफसीली मुलाकातें हुई बाद में। तो कोई एक नाम तो नहीं ले सकता, जितने भी मेरे सीनियर्स हैं जिन्होंने भी अच्छे अशार कहे हैं जिनको जिनके अशार सुनकर हमने शेर कहना शुरू किया तो उन सबसे मुलाकात हैं बिल्कुल। आपका वैसे पर्सनल फेवरेट शेर कौन सा है जो आपको? कोई एक शेर, कोई एक अब ये भी इस ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किसी मौके पे नहीं। जी मौके पे नहीं, हाँ कोई मौका आएगा तो जैसे कोई याद आता है अचानक से आपने जैसे कहते हैं एक यॉर्कर मारा है, कोशिश कर रहा हूँ क्या उसको रोकूं। आपका अपना पसंदीदा शेर कौन सा? मेरा आपने अपना ही पूछेंगे तो मेरा एक होगा कि लेकिन जो शेर मेरी पहचान का बायस बना जिसने दुनिया भर में लोगों ने जो लोगों तक पहुँचा तो ज़ाहिर बात है वो एक ख़ास मकाम रखता है आपके लिए। तो वो शेर था कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, वाह, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है, वाह वाह बहुत क्या बात, बहुत शुक्रिया। ये जी मैं चलें गज़ल पूरी पेश कर देता हूँ फवाद साहब आपके लिए कि बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, बचा है तुझ में जो मेरा हिस्सा निकालना है, ये रूह बरसों से दफन है तुम मदद करोगे, ये रूह बरसों से दफन है तुम मदद करोगे, बदन के मलबे से इसको जिंदा निकालना है, वाह वाह वाह,
ये रूह बरसों से दफन है, तुम मदद करोगे। बदन के मलबे से इसको जिंदा निकालना है, नजर में रखना कहीं कोई गमशनास गाहक, नजर में रखना कहीं कोई गमशनास गाहक, मुझे सुखन बेचना है, खर्चा निकालना है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। नजर में रखना कहीं कोई गमशनास गाहक, मुझे सुखन बेचना है, खर्चा निकालना है। निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना क्या है। क्या बात है, क्या बात है। और एक शेर जो आजकल के ओवरऑल सिनेरियो से भी काफी मुताबिकत रखता है कि मैं एक किरदार से बड़ा तंग हूँ कलमकार, मैं एक किरदार से बड़ा तंग हूँ कलमकार, मुझे कहानी में डाल गुस्सा निकालना है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। मैं एक किरदार से बड़ा तंग हूँ कलमकार, मुझे कहानी में डाल गुस्सा निकालना है। मतलब हम सब लेफ्ट आउट फील करते हैं कि हम उस कहानी का हिस्सा ही नहीं है जो आजकल चल रही है, तो हम उस पे जरा ये मैं तो मशवरा दूंगा इस कहानी के बारे में ज्यादा डिस्कशन ना ही करें तो अच्छा है। जी काफी हो चुकी है। सर नेक्स्ट क्या सुना रहे हैं? एक नज्म है जिसकी काफी दोस्तों ने फरमाइश की थी, तो मैं वो चाहता हूँ कि पेश कर दूँ। वक्त थोड़ा सा महदूद है तो वो थोड़ी सी उसमें तवालत इतनी तो नहीं, लेकिन बहरहाल मुख्तसर नज्म नहीं है वो। तो काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी एक ऐसे क्लासरूम का मंजर है, और वो पेश करता हूँ। उसका उनवान है गैर हाजिर। हाजिरी लगने वाली है, खामोश हों और तवज्जो करें। एक जी सर, उधर दाएं दीवार की खिड़कियों से परे पेड़ हैं, कुछ हरे पेड़ हैं जिनके पत्ते लगातार झड़ते चले जा रहे हैं, परिंदे भी हैं पेड़ों पर, उनके पर पांच, हाजिर जनाब उनके पर, सुरमई रंग से मिलता जुलता कोई रंग है, साथ जी घोंसला एक है, घोंसला एक है, यानी सारे परिंदे इधर के नहीं, कुछ चले जाएंगे। और ये तीसरे पेड़ पर क्या लिखा है, नया है, निकल कर पढ़ूंगा मैं, दस जी मैं हूँ, बिल्कुल ऐसे किसी ने कहा था मुझे 10 बरस कबल, 13 मई 2008 मंगल था और शाम 6 या 6:15 मेरे घर की छत, मैंने दीवार की इस तरफ से कहा था कोई है, मैंने, बहुत शुक्रिया, मैंने दीवार की इस तरफ से कहा था कोई है, तभी बिल्कुल ऐसे किसी ने कहा था उधर से कि जी हाँ मैं हूँ। 15 यस सर प्रेजेंट, यस सर प्रेजेंट हाल, अब वो आवाज़ जाने कहाँ जा चुकी, 10 बरस हो गए पूछते पूछते, कोई है कोई है, और आगे से बस खामशी। जी मैं हूँ वाली आवाज़ तो जा चुकी है। 18 कहाँ होगी अब, रोल नंबर 18, अरे ये तो मैं, सॉरी सर तुम कहाँ खोए रहते हो, पागल हो क्या, सर वो आवाज़ तो जा चुकी, क्या कहा, जा चुकी, चुप, नहीं सर सुने, जब से वो जा चुकी मैं जहाँ भी हूँ होकर भी होता नहीं। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। जब से वो जा चुकी मैं जहाँ भी हूँ होकर भी होता नहीं, जैसे अब भी यहाँ तो नहीं हूँ, बज़ाहिर हूँ सर आप समझे नहीं, और कुछ भी बताने से कासिर हूँ सर, आप लिख दीजिए गैर हाजिर हूँ सर। वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया। मंजर कशी एक है, बहुत खूबसूरत। आप अपनी शायरी में हरूफ को जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं जी, गिनती को जैसे लाते हैं, इसकी एक वजह यह भी है कि आप इंजीनियर हैं जी। इल्मे रियाजी से वैसे तो कहा जाता है कि जो शायर लोग होते हैं उनका हिसाब किताब से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन मेरा बचपन से पसंदीदा मजमून रियाजी था, और आदात से कुछ ख़ास मोहब्बत थी, तो उसी ने मुझे इंजीनियरिंग की फील्ड की तरफ भी वो ले गया। और वही आदात, वही बात की जो सच्ची शायरी होती है वो कि अंदर से निकलती है, मेरे अंदर आदात की एक मोहब्बत थी तो मेरे शायर में भी वो नज़र आती है। जो शेर आपकी ज़ात का हिस्सा बनकर बाहर निकलता है वो फिर उसमें शायद तासीर भी ज़्यादा होती है। तो मेरी किताब का नाम देख लें एक, एक और बहुत सारी रदीफ़ें हैं इसमें, दो मतलब दूसरी और एक रदीफ की गज़ल भी है। तो आदात का एक ख़ास, हर एक हज़ार में बस 5-7 हैं हम लोग, निसाब इश्क पे वाजिब ज़कात हैं हम लोग। वाह वाह,
निसाब इश्क पे वाजिब जक़ात हैं हम लोग, दबाव में भी जमात कभी नहीं बदली, शुरू दिन से मोहब्बत के साथ हैं हम लोग। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। तो ये जो आदाद का खेल है, वाकई इसमें ये काफ़ी जिन्होंने अभी तक मुझसे ये सवाल किए भी हैं, कुछ इंटरव्यूज़ हुए हैं, ये पूछा गया है बाकायदा, और मैं समझता हूँ ये शायद मुझे बाकी जो मेरे हम असर हैं उनसे थोड़ा सा मुनफरिद भी करता है। वो आपको खुद नहीं अंदाज़ा होता आप में ऐसी क्या चीज़ है जो दूसरों से अलहदा करती है। तो क्योंकि इसके बारे में सवाल बहुत किया जाता है, तो मेरे ख्याल में एक ये चीज़ है जो थोड़ा सा दूसरों से जुदा करती है कि आदाद का काफ़ी ज़्यादा अमल दखल है मेरे जो अशार हैं उनमें। इवन नज़मों में मैंने आपको नज़म सुनाई है, उसमें इवन रोल नंबर्स जो आ रहे हैं, जो सारे नंबर, एक पूरी नंबर गेम है। तो एक मोहब्बत है मुझे डिजिट से, आदाद से, तो वो जाहिर बात है उसमें ज़ाहिर होती है। और ये बैकअप प्लान भी हो सकता है कि अगर किताब ना चली तो मैथ की ट्यूशन तो पढ़ा ही सकते हैं। जी बिल्कुल, वो आज के बाद से शायद इस तरह भी सोचा जाएगा। कुछ कुछ नया अभी लिखा आपने इस किताब में, कुछ ऐसा नया है जो पहले ना सुना हो? जी मैं बिल्कुल, इस किताब में से कुछ चीज़ें, एक आधी चीज़ जो शायद मैंने कभी नहीं पढ़ी, बहुत ख़ास महफिल है, ख़ास लोग हैं, तो उनके लिए, क्योंकि आप मुशायरे में हर चीज़ तो नहीं सुना सकते, तो वो चीज़ें जो मुझे लगता है कि, लेकिन कुछ ऐसा एक टीज़र होना चाहिए लोगों के लिए ताकि वो जाएँ दुकानों पर और ये इस किताब को ज़रूर लें एक। जी मैं बिल्कुल, या अगर नहीं मौजूद तो जो आपके दिल में है वो सुना दीजिए। नहीं मैं चाह रहा हूँ किसी में से कुछ एक आधी चीज़ सुनाकर, तो फिर मैं असल में रखी हुई थी इस किताब में, वो डोरी नहीं लगवाई आपने? लगी हुई है मैंने। अच्छा। वो रखी हुई थी। अच्छा ये एक चीज़ जो मुझे पसंद है कि पहुँची है किस तरह मेरे लब तक नहीं पता। वाह। पहुंची है किस तरह मेरे लब तक नहीं पता, वो बात जिसका खुद मुझे अब तक नहीं पता। वाह 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 वाह। पहुंची है किस तरह मेरे लब तक नहीं पता, वो बात जिसका खुद मुझे अब तक नहीं पता। अच्छा मैं हाथ उठाऊं बताऊं फुलां फुलां, अच्छा मैं हाथ उठाऊं बताऊं फुलां फुलां, यानी खुदा को मेरी तलब तक नहीं पता। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं हाथ उठाऊं बताऊं फुलां फुलां, अच्छा मैं हाथ उठाऊं बताऊं फुलां फुलां, यानी खुदा को मेरी तलब तक नहीं पता। एक दिन उदासियों की दवा ढूंढ लेंगे लोग, एक दिन उदासियों की दवा ढूंढ लेंगे लोग, हम लोग होंगे या नहीं तब तक नहीं पता। वाह वाह वाह। एक दिन उदासियों की दवा ढूंढ लेंगे लोग, हम लोग होंगे या नहीं तब तक नहीं पता। और ये नौजवानों के लिए एक ख़ास तौर पे कि मैं आज कामयाब हूँ खुशबाश हूँ मगर क्या फ़ायदा है यार उसे जब तक नहीं पता। वाह 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 वाह। मैं आज कामयाब हूँ खुशबाश हूँ मगर क्या फ़ायदा है यार उसे जब तक नहीं पता। जिसके सबब मैं अहले मोहब्बत के साथ हूँ वो शख्स मेरे साथ है कब तक नहीं पता। क्या बात है। मैं वो शख्स मेरे साथ है और हम क्या खुशी गमी की महाफिल में हों शरीक। वासब हम क्या खुशी गमी की महाफिल में हों शरीक, हमको तो फ़र्क रंजो तरब तक नहीं पता। क्या बात। तो ये एक गज़ल थी जो मैं सुनना चाह रहा था। बहुत अच्छी, और मुझे लग रहा है अब ये शायद उनको अंदाज़ा नहीं होगी ख़त्म हो गई। हर मुशायरे में होगी अब ये। अब तो जाहिर है हिट हो गई है यहाँ पे। उमैर कुछ और, जितना वक्त हमारे पास है मैं चाहूँगा कि हम आपको ही सुने। गैर हाजिर, आप लेट आए हैं, सुना चुका हूँ अभी। हाँ सर, आप गैर हाजिर थे, हो गई वो जी। मैंने सुना थी कश्मीर। वाह वाह। अच्छा चले मैं पेश करता हूँ। अच्छा दो अशआर हैं, पहले वो सुन लीजिए कि बवक्त असर जब अशिया के साए बढ़ने लगे,
बवक्त असर जब अशिया के साए बढ़ने लगे, हम एक मकान की तरफ सर झुकाए बढ़ने लगे। किसी गली में किराए पे घर लिया उसने, किसी गली में किराए पे घर लिया उसने, फिर उस गली में घरों के किराए बढ़ने लगे। क्या बात, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। किसी गली में किराए पे घर लिया उसने, फिर उस गली में घरों के किराए बढ़ने लगे। और दो चार और हैं कि वो मुंह लगाता है जब कोई काम होता है। ये फरमाइश है आपकी, वो मुंह लगाता है जब कोई काम होता है, जो उसका होता है समझो गुलाम होता है। क्या बात है, क्या बात है। किसी का हो के दोबारा ना आना मेरी तरफ, किसी का हो के दोबारा ना आना मेरी तरफ, मोहब्बतों में हलाला हराम होता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे जी। आपको मुझे उम्मीद थी काफी लुत्फ आएगा। किसी का हो के दोबारा ना आना मेरी तरफ, मोहब्बतों में हलाला हराम होता है। और कभी लगी है तुम्हें कोई शाम आखिरी शाम, कभी लगी है तुम्हें कोई शाम आखिरी शाम, हमारे साथ ये हर एक शाम होता है। क्या है, बहुत अच्छा। कभी लगी है तुम्हें कोई शाम आखिरी शाम, हमारे साथ ये हर एक शाम होता है। इसे भी गिनते हैं हम लोग अहले खाना में, इसे भी गिनते हैं हम लोग अहले खाना में, हमारे हाँ तो शजर का भी नाम होता है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। इसे भी गिनते हैं हम लोग अहले खाना में, हमारे हाँ तो शजर का भी नाम होता है। फिर आपके लिए, तू खुश ना हो के पुकारा है जान कह के तुझे, तू खुश ना हो के पुकारा है जान कह के तुझे, ये उसके जैसों का तकिया कलाम होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तू खुश ना हो के पुकारा है जान कह के तुझे, ये उसके जैसों का तकिया कलाम होता है। तो ये कुछ चीजें। वेलकम बैक। एक मिनट की ब्रेक है, उसके बाद हम दोबारा शुरू करेंगे। ओके सर। अच्छा, हमारे पास 5 से 7 मिनट और हैं, और मैं चाहूँगा कि मैं बजाय सवाल करने के आपसे गुजारिश करूँ कि आप जो आपके दिल में और जो आपकी पसंदीदा चीज़ें हैं वो ज़रूर पहुँचा दें नौजवानों तक। शाह साहब कह रहे हैं कोई अच्छे शेर भी सुनाएं, कोई गालिब कोई मीर भी हो जाए। किसी और का सुना देता हूँ। सर आप देर से आए, सारे अच्छे शेर पहले सुना चुका है वो। जी वो बिल्कुल अच्छा। एक और गजल है कि जी सुना
ठीक है चले, मैं झुक के चलता हूँ के कद उसके बराबर ना लगे। वाह वाह। झुक के चलता हूँ के कद उसके बराबर ना लगे, दूसरा ये कि उसे राह में ठोकर ना लगे। वाह वाह वाह। ये तेरे साथ ताल्लुक का बड़ा फायदा है, ये तेरे साथ ताल्लुक का बड़ा फायदा है, आदमी हो भी तो औकात से बाहर ना लगे। और माओ ने चूमना होते हैं बुरीदा सर भी, माओ ने चूमना होते हैं बुरीदा सर भी, उनसे कहना कि कोई जख्म जबी पर ना लगे। माओ ने चूमना होते हैं बुरीदा सर भी, माओ ने चूमना होते हैं बुरीदा सर भी, उनसे कहना कि कोई जख्म जबी पर ना लगे। तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं, तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं, कैसे मुमकिन है कि अंधे का कहीं सर ना लगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं, कैसे मुमकिन है कि अंधे का कहीं सर ना लगे। और एक और गजल के पीछे शार है कि बरसों पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो, बरसों पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो, देखा रुका झिझक के कहा तुम उमैर हो। वाह वाह। बरसों पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो, देखा रुका झिझक के कहा तुम उमैर हो, मिलते हैं मुश्किलों से यहाँ हम ख्याल लोग, मिलते हैं मुश्किलों से यहाँ हम ख्याल लोग, तेरे तमाम चाहने वालों की खैर हो। और कमरे में सिगरेटों का धुआं और तेरी महक, जी जी, कमरे में सिगरेटों का धुआं और तेरी महक, जैसे शदीद धुंध में बागों की सैर हो। वाह 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 वाह। क्या मंजर कशी किया आपने। जी, कमरे में सिगरेटों का धुआं और तेरी महक, तेरी महक, कमरे में सिगरेटों का धुआं और तेरी महक, जैसे शदीद धुंध में बागों की सैर हो। हम मुतमइन बहुत हैं अगर खुश नहीं भी हैं, हम मुतमइन बहुत हैं अगर खुश नहीं भी हैं, तुम खुश हो क्या हुआ जो हमारे बगैर हो। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। हम मुतमइन बहुत हैं अगर खुश नहीं भी हैं, तुम खुश हो क्या हुआ जो हमारे बगैर हो। और कुछ और? अचानक खत्म कर दिया आपने। बहुत अच्छा उमैर, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, बाकी सबको भी बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन वक्त हमारे पास चूँकि कम है तो मैं बस आखिर में यही कहूँगा कि इस किताब के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं उनको कि इसमें किस किस्म का माल महफूज है तो वो बता दीजिए, और एक एंड में अगर अपनी पसंदीदा कोई चीज़ और सुना दीजिए। जी, मुख्तसरन बता देता हूँ कि इस किताब को मंजर आम पे लाने में तकरीबन 5 साल का गैप है। ये मेरी जो इब्तदाई बिल्कुल चीज़ें हैं उसमें, वो इसमें शामिल की गई हैं 2014-15 से लेकर 17-18 तक की जो चीज़ें हैं। लेकिन 18 में जब इसको मैंने फैसला किया कि किताब लानी चाहिए, तो तब से इसको इसकी जो कहते हैं कंपोजिंग, इसको कंपाइल करना शुरू किया, तो इट टुक 5 ईयर्स, मतलब 5 साल बाद अब ये कहीं जाकर मंजर यहाँ पर है। बहुत सारी चीज़ें निकाली गई, फिर इसमें ऐड की गई, फिर इसका जो क्या कहते हैं इंतसाब और हर चीज़, बहुत एक जारी बात है, एक ख्याल का प्रोसेस होता है। इसका कवर भी आपने खुद डिज़ाइन किया? जी, तो ऑलमोस्ट इसका डिज़ाइन जो था, तो ये फिर नाम इसका जो जैसे मेरे जहन में आया, जब फिर मैंने सोचा कि किताब को रख लेना चाहिए, तो अब ये मुझे खुशी है आप लोगों के सामने ये बताते हुए कि इस किताब का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इसका जो पहला एडिशन है वो प्री बुकड आया है, और दूसरा एडिशन भी इनकरीब आने वाला है। अक्स पब्लिकेशन ने शाया किया है लाहौर से, तो आप सब दोस्त भी अगर चाहें तो मंगवा सकते हैं, उनका नंबर वगैरह हर चीज़ मेरे प्रोफाइल पर भी और मौजूद है, फेसबुक पर और गूगल वगैरह पर आप ढूँढ सकते हैं। आखिर में जो आपने कहा है कोई एक और चीज़, तो मैं पेश कर देता हूँ अशार। उन्होंने कहा था माल, मैंने तो उसको थोड़ा सा मज़ा करके शायर की चीज़ शायर साहब गज़ल ही होती है, वो छोटी मक्खी का शहद तो नहीं बेचेंगे। जी मैं तो
तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, वाह वाह, तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूँ बात समझ, वाह 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 वाह, तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूँ बात समझ, मेरे अलावा हैं छह लोग मुनहसर मुझ पर, मेरे अलावा हैं छह लोग मुनहसर मुझ पर, मेरी हर एक मुसीबत को ज़र्ब साथ समझ, किताबे इश्क में हर आह एक आयत है, किताबे इश्क में हर आह एक आयत है, और आंसुओं को हरूफे मुकत्तयात समझ, वाह वाह, किताबे इश्क में हर आह एक आयत है, और आंसुओं को हरूफे मुकत्तयात समझ, दिलो दिमाग ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए, दिलो दिमाग ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए, ये हाथ पाँव इजाफी सहूलियात समझ, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, दिलो दिमाग ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए, ये हाथ पाँव इजाफी सहूलियात समझ, फलक से कट के ज़मीं पर गिरी पतंगें देख, फलक से कट के ज़मीं पर गिरी पतंगें देख, तू हिजर काटने वालों की नफ्सियात समझ, फलक से कट के जमीं पर गिरी पतंगें देख, तू हिजर काटने वालों की नफ्सियात समझ, और करें ये काम तो कुंभे का दिन गुजरता है, करें ये काम तो कुंभे का दिन गुजरता है, हमारे हाथों को घर की घड़ी के हाथ समझ, वाह वाह, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, करें ये काम तो कुंभे का दिन गुजरता है, हमारे हाथों को घर की घड़ी के हाथ समझ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी समातों का, और बहुत अच्छा लगा आपके सामने। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच सर। आज ये एक सेशन बहुत ज़रूरी था, और उमेर की किताब जो है जिसका नाम एक है, वो ज़रूर आप लोगों की शेल्फ में होनी चाहिए और आपको पढ़नी चाहिए। थैंक यू वेरी मच उमेर, बहुत शुक्रिया।